हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि कुमार अंगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि क्रिएटिव बिजनेस। दोस्तों, सारी बात करेंगे कि ऐसे अपराध जिनमें आरोपी को या आरोपी का कोर्ट में हाजिर होना अनिवार्य नहीं है। सीआरपीसी 1973 सेक्शन 253 यातार आपराधिक मामलों में आरोपी का कोर्ट में हाजिर होना अनिवार्य होता है। यदि वह उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ वारंट जारी हो जाता है। कभी कभी न्यायालय आरोपी के अनिवार्य उपस्थिति से छूट देता है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें आरोपी का कोर्ट में हाजिर होना अनिवार्य नहीं होता है। वह संदेश के जरिए अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और उसे दंडित किया जा सकता है। तो सीआरपीसी की धारा 206 में हमने बताया था कि ऐसे में अपराध जिसका जुर्माना 1000 से ज्यादा हो या फिर जिसकी सजा 3 साल से अधिक ना हो, आरोपी को उपस्थिति से छूट मिल सकता है। समन प्राप्त होने पर आरोपी कोर्ट में हाजिर होना अनिवार्य नहीं होता है। वह डाक के माध्यम से या फिर किसी संदेहवाहक के द्वारा अपना अभिवचन भेज सकता है। तो फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 253 दंड प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा सीआरपीसी की एक्ट 1973 सेक्शन 253 यह परिभाषित करता है कि अगर कोई आरोपी समन मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष आए बिना किसी अभिवचन को डाक, संदेहवाहक या वकील द्वारा भेजा जाता है, तो मजिस्ट्रेट अगर आरोपी ने दोषी होने का अभिवचन दिया है तो अभिवचन के आधार पर अपना निर्णय स्वयं विवेकानुसार सुना देगा। यह आरोपी द्वारा अभिवचन के साथ जुर्माना भेज दिया गया है तो उसे स्वीकार कर लेगा। आरोपी अपने वकील के माध्यम से भी अभिवचन भेज सकता है तथा मजिस्ट्रेट वकील द्वारा किए गए कथनों से भी अभिलिखित कर सकता है। या साधारण शब्दों में कहे तो यह धारा उन छोटे अपराधों पर लागू होता है जो आए दिन वर्तमान में छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा होते रहते हैं, जैसे शराब पीकर नशे की हालत में लोक स्थान पर उपद्रव मचाना, प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करना। तो ये छोटे छोटे मामलों में जो है या छोटे छोटे अपराधों में जिनमें आरोपी को कोर्ट में हाजिर होना अनिवार्य नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसा लगा? आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रवि क्रिएटिव जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।